हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी मोहम्मद आदिल तो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फिर एक नई और वीडियो लेकर। तो दोस्तों ये हैं सच्चे मोती, ये देख सकते हो सीप मोती है ये। अब हम इसकी पिस्टी बनाने के लिए, मोती पिस्टी के लिए इसकी तैयारी कर रहे हैं। ये देख सकते हो ये मोती की पहचान है, और मैं आपको दिखा दूँ इसके अंदर सुराख भी होता है मोती के। ये देख सकते हो आपको सुराख दिख रहा होगा, ये रहा, तो इसके अंदर सुराख भी होता है और ये आडे टेढ़े तिरछे होते हैं। कई बार क्या होता है चाइना वाले मोती आ जाते हैं हड्डियों के, उसमें पती नहीं लगती कि ओरिजिनल लोकल है। तो आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के लें, जहाँ से आपको पूरा विश्वास हो जिस पंसार पे आप वहाँ से लें इन्हें। ये देख सकते हो इस तरह के आडे तिरछे सुराख भी होते हैं इसके अंदर, ये रहे, तो ये गोल नहीं होते, तो लोकल मोती की पहचान है। जब आप इसे जलाओगे तो वो पिघल के नीचे गिर जाएगा, प्लास्टिक के बिल्कुल ऐसे ही मोती होते हैं वो, जब उन्हें आप जलाते हो तो पिघल के नीचे गिर जाता है। और ये ओरिजिनल मोती है, उसके अंदर भी सुराख आता है, वो थोड़े गोल टाइप में होते हैं। और मैं आपको दिखा दूँ ये रहे, ये काफ़ी करीब करीब ये आधी किलो मोती है हमारे पास। जिस भाई को भी मोती चाहिए वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, आपको मोती पिष्टी के और मोती भस्म के इसके बारे में सब भाई को पता है। धात से पंदोस चिवे पानी के, चिपचिवे पानी के लिए, मैदे मचानी गर्मी के लिए, पित्त प्रकृति के लिए बहुत बेहतरीन अलग किस्म की चीज़ है। आप जिस योग में से लगाओगे तो आपके योग के बहुत बेहतरीन चार चांद लगा देगा। आप इसे गुलकंद के साथ खा सकते हो रगड़ के, जो भाई हाई बीपी के मरीज हैं उनको खिलाएं, जो माता बहनें हाई बीपी के मरीज हैं ये अपने साख मूंगा ये लेकर उसकी पिष्टी बना के, मोती पिष्टी बना के गुलकंद के साथ सुबह शाम दूध के साथ खिलाएं। जिनका हाथ पैरों में जलन होती है, आग निकलती है, उनको भाई को, उन माता बहनों को खिलाएं। तो दोस्तों आप गर्मियों में एक बार खा लेंगे तो आप पूरी गर्मी ऐस की काटेंगे, पता ही नहीं लगेगा आपको हमारे गर्मी भी पड़ रही है नहीं। जिन भाइयों का धूप धाप का काम है, गर्मी में धूप का काम है, वो भाई ने खाएं तो बहुत लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के घंटे को प्रेस करें ऑल पे, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फटाफट जल्दी से जल्दी मिल सके। आप मोती पिष्टी बनाएं, मोती मुक्ता सुक्ति बोल मुक्ता मुक्ता भी बोलते हैं इन्हें, मोती पिष्टी बनाएं, मोती भस्म बनाएं, उसका फ़ायदा लें, अपने घर में खिलाएं, अपने मरीजों को दें, अपने घर खानदान वालों को दें, भाई बहनों को दें, माता बहनों को दें। और दोस्तों हमें दुआओं में याद रखें। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे फिर अपनी एक नई और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।